Hello friends, welcome to Shivam Online Knowledge Academy. Friends, today we will discuss next video which is based on Mechanical Engineering MCQ. So let's we start now. First question, for general purpose, the roughness value are graded into 12 grades, right? So general purpose ke liye jo roughness value hai, wo 12 grades mein hai, right? नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर इन द बीएसआई सिस्टम, राइट? सो कितने टॉलरेंस ग्रेड है? 18. टोटल टॉलरेंस ग्रेड जो है वो 18 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चिजल फॉर माइल्ड स्टील, राइट? माइल्ड स्टील है और जो चिजल है उसका कटिंग एंगल कितना होगा? माइल्ड स्टील के लिए चीजल का कटिंग एंगल होगा 55 डिग्री, राइट? सो द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल इज 55 डिग्री फॉर माइल स्टील. द एबिलिटी बाय विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी, राइट? माने कि स्मॉल डिफरेंस अगर हो रहा है फिर भी उसको मेजर कर सकता है जो डिवाइस, वो जो एबिलिटी है उसको कहेंगे सेंसिटिविटी. इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज अबव 427 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल. तो ब्रेजिंग ऑपरेशन के दौरान जो मेल्टिंग पॉइंट है नॉन फेरस फिलर मेटल का वो 427 डिग्री से अबव होता है लेकिन बेस मेटल से लोअर. The capacity of lathe is expressed as swing and distance between centers, right? So lathe की जो capacity अगर हमें expressed करना है तो वो हम swing diameter और distance, दो center के बीच का जो distance है, headstock and tailstock, right? So distance between the center, उसके द्वारा हम lathe की capacity जान सकते हैं. Fixture is a production device which hold एंड लोकेट दी वर्क पीस. तो फिक्सचर और जिग जो है दो डिवाइस, उसमें से जो फिक्सचर है वो प्रोडक्शन डिवाइस है और जो होल्ड करता है और लोकेट करता है वर्क पीस को, राइट? द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? साइन बार जो फंक्शन करता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस्ड पे फंक्शन करता है. Which of the following is a semi-solid lubricant? तो friends, grease जो है वो semi-solid lubricants है. Tolerance क्या है? Tolerance, ये interview का भी question है. What is the tolerance? At that time, you have to give answer. Tolerance is the difference between the maximum limit of size and the minimum limit of size. तो उसके बीच का जो difference है उसको हम tolerance कहते हैं, right? What is the value of point angle for general purpose drill, right? So general purpose drill में जो point angle है वो है 118 degree, right? Which of this is anti-friction bearing? Anti-friction bearing में ball bearing, roller bearing and needle bearing. तो answer होगा all of this. Which of this is used to guide the tool and hold the job in mass production, right? सो जिग ही एक ऐसा डिवाइस है जो गाइड करता है टूल को, राइट? होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन. तो होल्ड तो फिक्सचर भी करता है, जिग भी करता है, लेकिन जिग जिसका मेन एडवांटेजेस है वो गाइड करता है टूल को, गाइड द टूल. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ 112 पीसेस, राइट? सो इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो स्पेशल सेट है स्लिप गेज का उसमें कितने होते हैं टोटल? 112 पीसेस. आप जो फिगर में देख रहे हैं उसमें जो डिवाइस है ए, राइट, सबसे ऊपर जिसको इंडिकेट किया गया है वो है ड्रिफ्ट, राइट? सो ड्रिल को निकालने के लिए मशीन स्पिंडल में से हम ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनिलिंग is done to. Annealing क्यों की जाती है? Annealing for the increase the softness. Next है, the main purpose of heat treatment process normalizing. तो normalizing
जो पार्ट्स के अंदर स्ट्रेस रह जाते हैं उसको रिमूव करता है, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस, और एनीलिंग इंक्रीज द सॉफ्टनेस. द प्रोसेस बिवेलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रिल होल दैट इज कॉल्ड काउंटर सिंकिंग. राइट, तो एग्जिस्टिंग ड्रिल होल है और उसको बिवेलिंग करना है तो उसको कहेंगे काउंटर सिंकिंग. द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन ऑपरेशन, तो वो होगा सॉल्यूबल ऑयल. सॉल्यूबल ऑयल इज द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूड. विच वन ऑफ दिस बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन ग्राइंडिंग व्हील्स, तो ग्राइंडिंग व्हील्स पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो विट्रिफाइड बॉन्ड्स होते हैं. केरोसिन ऑयल इज यूज एज अ कूलेंट वाइल ड्रिलिंग अ वर्क पीस मेड ऑफ एल्यूमिनियम. राइट, सो एल्यूमिनियम का जो वर्क पीस है उसमें केरोसिन को हम कूलेंट के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिटर ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.